हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स अड्डा में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के 29 राज्यों के नाम याद करने का बहुत ही शानदार ट्रिक, और G20, G8, G5 में कौन कौन से देश शामिल है उसका भी एक ट्रिक है। सार्क और ब्रिक्स में कौन कौन से देश सम्मिलित है उसका भी ट्रिक है। आज आपको हम बताने वाले हैं कि भारत के 29 राज्य, जो भारत के 29 राज्य हैं, उनको याद करने का बहुत ही आसान सा ट्रिक। आप एक सिर्फ तुलसीदास का दोहा याद कीजिए, उस दोहे के माध्यम से आपको भारत के 29 राज्यों के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। वैसे तो आप लोग को 29 राज्यों के नाम याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम कठिनाई होती है, लेकिन आप 29 राज्यों के नाम मत याद कीजिए, आप सिर्फ एक दोहा याद कीजिए, आपको भारत के 29 राज्य ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो आपको हम ले चलते हैं बिना किसी देरी के। आप देखिए भारत के 29 राज्यों के नाम श्री संत तुलसीदास के एक दोहे में आप देख ही रहे हैं कि हाथ से लिखा हुआ नोट से, हम भी एक विद्यार्थी हैं, हम सोचते हैं हमारे जो सहपाठी हैं, प्यारे सहपाठी लोग हैं, वो लोग भी थोड़ा ट्रिक के माध्यम से पढ़ें, आगे उनका अच्छा होगा। तो दोहा आपका ये है, राम नाम जपते अत मत घुसाउ, पंख में उगो हम अहि के छप जाओ। आप लोग को थोड़ा कठिन दोहा लग रहा होगा, लेकिन जो तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास जो दोहा लिखे हैं उनका दोहा थोड़ा टफ ही है। उनका दोहा क्या है आप लोग जानते होंगे, तत्सम और तद्भव। तद्भव आपका होता है हिंदी, तद्भव आप बोल दीजिए हिंदी, तत्सम आपका क्या होता है हिंदी प्लस संस्कृत का सम्मिलित तत्सम होता है। तो ये सब दोहा तत्सम रूप में है। तो आप लोग दोहा देखिए, राम नाम जपते अत मत घुसाउ, पंख में उगो हम अहि के छप जाओ। अब देखिए, राम, राम मतलब राजस्थान, माँ मतलब महाराष्ट्र, नाम, नाम मतलब नागालैंड, माँ मतलब मणिपुर, जपते जा मतलब जम्मू कश्मीर, पा मतलब पश्चिम बंगाल, ते जपते ते मतलब तेलंगाना, अत मत गुस्साओ आ मतलब आसान, ती मतलब त्रिपुरा, मत माँ मतलब मध्य प्रदेश, ता मतलब तमिलनाडु, अत मत गुस्साओ गु मतलब गुजरात, सी मतलब सिक्किम, आओ आ मतलब आंध्र प्रदेश, उ मतलब उत्तर प्रदेश। अब देखिए सेकंड लाइन में क्या लिखा है, पंख में उगो हम अहि के छप जाओ। पा मतलब पंजाब, का मतलब कर्नाटक, मे मतलब मेघालय, उ मतलब उत्तराखंड, गो मतलब गोवा, हा मतलब हरियाणा, मी मतलब मिजोरम, आ मतलब अरुणाचल प्रदेश, ही मतलब हिमाचल प्रदेश, के मतलब केरल, छा मतलब छत्तीसगढ़, बी मतलब बिहार, झा मतलब झारखंड, उ मतलब उड़ीसा। देखिए कितना आसान सा ट्रिक है, आप सिर्फ एक एक दो लाइन का दोहा याद कीजिए, ये दोहा आप याद कीजिए, राम नाम जपते अत मत घुसाओ, पंख में उगो हम अहि के छप जाओ। ये दोहा याद कीजिए, आपको आसानी से भारत के 29 राज्यों के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ आपको मैं चीज़ बताने वाला हूँ, और आप लोग जानते होंगे सार्क, सार्क संगठन, आप लोग जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, सार्क संगठन एक ऐसा संगठन है जो भारत के पड़ोसी देश उसमें शामिल हैं। और आप एक चीज़ इसमें एक चीज़ और जान सकते हैं, नया चीज़ देखिए, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इन्हीं इसी ट्रिक के माध्यम से आपको वो भी पता चल जाएगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के पड़ोसी देश का ही सम्मिलित सार्क संगठन है। तो आपको बिना किसी देरी को ले चलता हूँ ट्रिक पे, MBBS पैन, यम मतलब मालदीव, भू मतलब भूटान, बी मतलब बांग्लादेश, यस मतलब श्रीलंका, पी मतलब पाकिस्तान, ए मतलब अफगानिस्तान, आई मतलब इंडिया, एन मतलब नेपाल। आप देखिए कितना आसान सा ट्रिक है, ये ट्रिक आप MBBS पैन के माध्यम से आपको ये भी पता होगा, पता चलेगा कि सार्क में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं, जो सार्क संगठन है उसमें सम्मिलित देश कौन कौन से हैं। और एक चीज़ नया चीज़ और है कि जो भारत के पड़ोसी देश है उनका भी नाम आपको इसी ट्रिक के माध्यम से पता चलेगा। नंबर 30, थर्ड आपको हम ले चलते हैं,
के जी ट्वेंटी आप लोग नाम सुने होंगे। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय देशों का सम्मिलित एक संगठन है जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं उनका नाम याद करने के लिए आपको आसान सा ट्रिक है। वैसे तो आप नाम याद करेंगे थोड़ा दिक्कत होगी लेकिन याद हो जाएगा, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से आप देशों के नाम मत याद कीजिए, एक लाइन याद कर लीजिए उसको, उसके माध्यम से आप देशों के नाम आपको पता चल जाएगा। गुरु जी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है, ये लाइन है, गुरु जी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। देखिए कितना आसान सा लाइन है, सबको याद हो जाएगा, ये लाइन याद कीजिए आपको पता चल जाएगा G20 के सदस्य देश कौन कौन से हैं। देखिए गुरु जी मतलब जर्मनी, यू मतलब USA, आर मतलब रूस, यू मतलब UK, USA होता है यूनाइटेड साउथ अफ्रीका, UK होता है यूनाइटेड किंगडम, आर मतलब रूस हो गया, जा मतलब जापान हो गया, जी मतलब आई मतलब इटली हो गया, एस मतलब साउथ अफ्रीका हो गया, आई मतलब इंडोनेशिया हो गया, टी मतलब तुर्की हो गया, ए मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया, ए मतलब अर्जेंटीना हो गया, बी मतलब ब्राज़ील हो गया, यस मतलब साउथ कोरिया हो गया, यस मतलब सऊदी अरब हो गया, सी मतलब कनाडा हो गया, एफ मतलब फ्रांस हो गया, सी मतलब चीन हो गया, आई मतलब इंडिया हो गया, यह मतलब मैक्सिको जॉब करती है। एक एक लाइन आपको याद करना है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। इसके माध्यम से आपको G20 में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं आपको आसानी से पता चल जाएगा। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा ये ट्रिक, आसान है तो बताइए कमेंट करके। नंबर 4 आपको ले चलते हैं G8, जैसे G20 है वैसे G8 है। G8 संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं, पहले G8 था अब G7 हो गया, एक देश इससे बाहर हो गया। इसका ट्रिक ये है, गुरु जी टली का फ्रांस, भाई अपने हिसाब से वर्ड सेंटेंस हम लोग चूज करते हैं जिसके माध्यम से सब देश इसमें इकट्ठा आ जाएं, तो थोड़ा ये अलग है ट्रिक। गुरु जी टली का फ्रांस, जी मतलब जर्मनी, यू मतलब USA, आर मतलब रूस, यू मतलब UK और जी मतलब जापान, टली मतलब इटली, के मतलब कनाडा, यह मतलब फ्रांस। देखिए कितना आसान सा है, गुरु जी टली का फ्रांस, कितना आसान सा ट्रिक है। इससे आप G8 के सदस्य देश कौन कौन से हैं, अब तो G7 हो गए, जो रूस से 2014 में निलंबित हो गया था, बाहर हो गया था, इसीलिए 7 हो गए, नहीं तो मैं 8 ही लिखा हूँ, 4 4 8, लेकिन जो रूस है देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ 2014 में निलंबित, ये हाथ से लिखा हुआ नोट से आपको पढ़ने बहुत आसानी होगी, हम भी पढ़ते हैं इसलिए सोचते हैं हमारे जो प्यारे दोस्त हैं वो भी हमारे माध्यम से थोड़ा पढ़ाई करें, अच्छा करें, जिनके पास टेक्नोलॉजी मोबाइल या वाईफाई इंटरनेट नहीं है तो उनके लिए वीडियो में बनाता हूँ कि वो लोग उधर ध्यान में, क्योंकि क्या है यूट्यूब फेसबुक पर ध्यान आप ज़्यादा देंगे तो आपका पढ़ने मन नहीं लगेगा, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई में। और आपको हम ले चलते हैं अगला चीज़ क्या है कि G5, जैसे G8 हो गया, G20 हो गया, ऐसे G5 होता है, G5 में सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो इसका बहुत आसान सा ट्रिक है, सीएम साकी बाई, सी मतलब चीन हो गया, यह मतलब मैक्सिको हो गया, साकी मतलब साउथ अफ्रीका हो गया, बा मतलब ब्राज़ील हो गया, ई मतलब इंडिया हो गया। कितना आसान सा ट्रिक है, सीएम साकी बाई के माध्यम से आपको G5 में कौन कौन से देश हैं उनके नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आपको देशों का नाम मत याद कीजिए, आप सिर्फ एक लाइन याद कीजिए और उस लाइन के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि G5 में कौन कौन से सदस्य देश हैं। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे हमको जानकारी हुई वैसे हमारे दोस्तों को भी जानकारी हो तो आपने जो दोस्त हैं, आपके जो करीबी दोस्त हैं या करीबी दोस्त हैं या दूर के दोस्त हैं या कोई भी है तो आप उसको शेयर कीजिए, उसको भी जानकारी होगी। ब्रिक्स में 5 देश शामिल है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स, इसी का नाम ब्रिक्स है।